अवैध निर्माणों पर योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में बरेली के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता तौफिक प्रधान के आलिशान होटल पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है, जिसे कुछ ही घंटों में नस्ते मनामूद कर दिया गया। गौरतलब है कि तौफिक ने बाईपास स्थित 700 वर्ग मीटर जमीन पर 2 मंजिल आलिशान होटल बनाया था, लेकिन विकास प्राधिकरण से इसकी अनुमति नहीं ली थी। प्राधिकरण के अधिकारी को कहना है कि ग्रीन बेल्ट को समाप्त करके अवैध तरीके से होटल का निर्माण किया गया था। इसी संबंध में कार्रवाई की गई। अफसरों का कहना है कि बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से तौफिक को कई बार कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि अवैध निर्माण को खुद गिरा लेंगे, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इससे पहले सपा नेता के पूर्व विधायक सहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर भी इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। प्राधिकरण की कार्रवाई पर प्रधान तौफिक का आरोप है कि उनको मुसलमान होने की सजा मिली है। प्रधान पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इसके बाद में सुर्खियों में रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।